हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल अपना इंश्योरेंस वाला। आज हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। पहला सवाल है, क्या आपके परिवार का महीने का खर्च कितना है? देखिए, मान के चलते हैं एक नॉर्मल परिवार जिसमें एक पति पत्नी और दो बच्चे होते हैं, उनका महीने का खर्च लगभग 25,000 रुपये है। अगर आप एक महीने के लिए शहर से बाहर जा रहे हैं तो आप अपनी पति को कितना पैसा देके जाएंगे? कम से कम 25,000 से 30,000 आप अपनी पत्नी को देंगे एक महीने के खर्चे के लिए। अगर आप एक साल के लिए शहर से बाहर जा रहे हैं तो अपनी पत्नी को कितना पैसा देके जाएंगे? 25,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आप उसे कम से कम 3 लाख रुपये अपनी वाइफ को देके जाएंगे। सोचिए, अगर आप एक साल के लिए बाहर जा रहे हैं तो आपकी पत्नी को घर खर्च के लिए 3 लाख की ज़रूरत पड़ेगी, तो पूरी ज़िंदगी के लिए कितने रुपए की ज़रूरत होगी? आपका लाइफ इंश्योरेंस कितने अमाउंट का है? क्या आपने कभी सोचा है कि इस दौड़ भाग की ज़िंदगी में यदि आपको कभी कुछ हो जाए तो आपके परिवार का खर्च कैसे चलेगा? बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी? फ्रेंड्स, सोचिएगा ज़रूर कि पूरी ज़िंदगी के लिए आपके परिवार को कितने पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। अभी आपका जीवन बीमा कितना है? आइए इसी कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आपको कितना जीवन बीमा लेने की ज़रूरत है। आपका जीवन बीमा इतना होना चाहिए कि अगर आपको कुछ हो जाए तो आपके परिवार को इतने इनफ पैसे मिल जाएँ जिसे बैंक, पोस्ट ऑफिस या LIC में रखकर उसके ब्याज से आपका खर्च चल पाए। जैसा कि हमने देखा, आपके परिवार का सालाना खर्च 3 लाख है। इस 3 लाख का 20 गुना बना 60 लाख रुपए। मीन्स आपको 60 लाख के इंश्योरेंस की ज़रूरत है। कुछ दुर्घटना हो जाने पर ये 60 लाख रुपए आपके परिवार को मिल जाएगा, जिसे वह बैंक में, LIC में या पोस्ट ऑफिस में रख देगा, जहाँ से उन्हें 5% सालाना इंटरेस्ट मिल जाएगा। 60 लाख का सालाना इंटरेस्ट हुआ 3 लाख, यानी 25,000 रुपये का महीना, जिससे परिवार का खर्च चलता रहेगा। मतलब आपको अपने सालाना खर्च का 20 गुना इंश्योरेंस लेना होगा। देखिए, पूरी दुनिया के लिए आप एक इंसान हैं, पर आपके परिवार के लिए आप ही पूरी दुनिया हैं। तो आज ही आप अपना इंश्योरेंस करवाइए ताकि आपका परिवार हमेशा सेफ और सिक्योर रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब माई चैनल।